अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल एस्पायरेंट। आज हम सॉल्व करेंगे मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री, जो कि 2018 में लिया गया था, उसका पार्ट टू। पार्ट वन हम कर चुके हैं, क्योंकि ये ब्लर है इसलिए हमने इसको वर्ड पे सेपरेट लिखा हुआ। ओके, क्वेश्चन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब 3 mL सॉल्यूशन इज। कि एक न्यूमेरिकल है तो इसको हमने सेपरेट सॉल्व किया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको मालूम करने हैं। मोलैरिटी आपको 3 दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है, फार्मूला है आपके पास मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। चूंकि हमने वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने से हम अपने फार्मूले को उसके हिसाब से सेट कर लेंगे। वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, एम की जगह 3, वी की जगह 500, और यहाँ पे हम 1000 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि हमारी जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, और जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो डेसीमीटर क्यूब होता है, इसलिए हम इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 1.5 मोल्स, जो कि करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक मोलर एक सॉल्यूशन विल बी मिनिमम 4। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज, क्योंकि ग्लूकोज का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है मिनिमम होता है। फ्रक्टोज भी एक ग्लूकोज की टाइप है, तो ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 23, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आपकी जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, और जो सॉल्यूट की मॉलिक्यूल जो कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की मिलने की वजह से होती है। सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, इसलिए आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, +6। सल्फर का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है सल्फ्यूरिक एसिड में। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड बिटवीन 2 half cells देन द वोल्टेज। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ड्रॉप टू 0। कि सॉल्ट ब्रिज की वजह से ही आपका सर्किट मुकम्मल होता है, जब सर्किट मुकम्मल होता है तो करंट फ्लो करता है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज करेंगे तो सर्किट मुकम्मल नहीं होगा और करंट भी फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज जो है वो 0 पर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक सेल। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, जो है वो इज करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कॉन्स्टेंट जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर 3 half-lives ऑफ अ केमिकल रिएक्शन द परसेंट फ्रिक्शन ऑफ द अमाउंट लेफ्ट इज। ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप है जिसको अलग से सॉल्व किया हुआ है। हाफ लाइफ, 3 half-lives का मतलब है यानी आपने 1/2 को 3 times मल्टीप्लाई करना है। जब हम 1/2 को 3 times मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/8। 1/8 को मजीद सॉल्व करेंगे तो 0.125 आपका आंसर आएगा, लेकिन हमें परसेंट में फ्रैक्शन मांगा हुआ है तो इसलिए इसको हम आंसर को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ताकि परसेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो आंसर आएगा 12.5। यानी इट्स मीन के राइट ऑप्शन इज 12.5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू सिंपल कोलिजन थ्योरी द आर्हेनियस फैक्टर ए। द राइट ऑप्शन इज ए, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर।
क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होते हैं, और इफेक्टिव कोलिजन ही डिपेंड कर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आपके कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इनटू एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड इज, द राइट ऑप्शन इज बी, क्योंकि वाटर की कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत हार्डली रिएक्शन में चेंज होती है, वाटर जो है वो बहुत कम जो है वो अपनी कंसेंट्रेशन को चेंज करता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑटो कैटालिक रिएक्शन इज, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, क्योंकि जब नाइट्रोग्लिसरीन डिकम्पोज होता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो कि रिएक्शन को कैटालिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, द राइट ऑप्शन इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, क्योंकि जब ग्राउंड स्टेट होती है एटम की तो इलेक्ट्रॉन सबसे लोअस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोअस्ट एनर्जी लेवल पे मौजूद होते हैं, और जितना लोअस्ट एनर्जी लेवल होता है वो उतना न्यूक्लियस जो है उससे करीब होता है। क्वेश्चन नंबर 34, अ प्रोटोन इज आइडेंटिकल विद, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी आयनाइज हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है इसलिए हम प्रोटॉन को आइडेंटिकल करते हैं हाइड्रोजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 35, इथेन एंड इथाइन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर रिएक्शन विद, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इथेन एंड इथाइन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब हम उसका रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, तो हमें रिएक्शन के बाद पता चल जाएगा कि इज इट इथीन और इथाइन। क्वेश्चन नंबर 36, ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन कॉजेज द ब्रेकिंग ऑफ सी सी बॉन्ड, द प्रोडक्ट इज, जब इथीन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, आप क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल्डिहाइड, जब भी हम इथीन को ब्रेक करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी, फॉर्मल्डिहाइड आएगी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट फंक्शनल ग्रुप, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी टोलिन के पास जो है फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सब्सट्रेट, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड जो है आपका नेचुरल सब्सट्रेट होता है, नेचुरली अकर होता है। क्वेश्चन नंबर 39, एन ऑर्गेनिक रिजेंट विच रिएक्ट्स इन पैराडाइन सॉल्वेंट फॉर्म्स एन अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल, एक ओरिजेंट एन ऑर्गेनिक रिजेंट जब भी रिएक्ट करता है पायराडाइन सॉल्वेंट के साथ तो वो एक अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस करता है जब उसको रिएक्ट करवाते हैं हम अल्कोहल के साथ। क्वेश्चन नंबर 40 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी प्रोपोनल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज होता है, जब आपके कार्बन एटम जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, तो इनमें से सबसे ज़्यादा कार्बन के एटम प्रोपोनल के पास है इसलिए प्रोपोनल का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा।